विधानसभाओं के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यक्रम हुए हैं और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, 8 कार्यक्रम उनके आयोजित हुए हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 कार्यक्रम उनके आयोजित हुए हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा जी के भी 2 कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम हरियाणा में हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे केंद्रीय मंत्री, उनका भी 1 कार्यक्रम हुआ है। दिव्या कुमारी जो डिप्टी सीएम है राजस्थान सरकार में, उनका भी 1 कार्यक्रम हरियाणा में हुआ है। दिनेश शर्मा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे हैं, उनका भी 1 कार्यक्रम हरियाणा में हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके भी 2 कार्यक्रम हरियाणा में हुए हैं और हमारे परमानंद बिहारी जी का भी 1 कार्यक्रम हुआ है। सतपाल जी महाराज के 2 कार्यक्रम हुए हैं। इस सारी चुनावी प्रक्रिया में लोगों से जो इंट्रैक्शन हुआ है, लगभग 134 कार्यक्रम बड़े हुए हैं और उसके बाद हमारा जो प्रदेश लीडरशिप था, प्रदेश के मंत्री, उनके कार्यक्रम रहे हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के कार्यक्रम रहे हैं, हमारे जो राज्यसभा के माननीय सांसद थे उनके अलग कार्यक्रम रहे हैं, पार्टी की पूरे तो पूरी लीडरशिप और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारा चाहे बूथ का कार्यकर्ता था, हमारा पन्ना का कार्यकर्ता था, मंडल का कार्यकर्ता था, हमारा जिला का कार्यकर्ता था या हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता थे, उन सब ने मजबूती से एक एक घर के अंदर जाकर के पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर के घर घर में लोगों तक इंट्रैक्शन, बातचीत करने का काम किया है और उसका एक बड़ा जो इलेक्शन को लगातार पीक देने का काम कार्यकर्ताओं ने और हमारी उच्च लीडरशिप ने, हरियाणा प्रदेश की लीडरशिप ने, जो इसमें लगातार लोगों के बीच में जाकर के पीक देने का काम किया है, मैं उनका सबका भी धन्यवाद करता हूं। और आज जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए हैं तो लोगों का जो उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति विश्वास, आदरणीय मोदी के प्रति जो श्रद्धा का भाव देश के लोगों का देखते ही बनता था। जबरदस्त स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किया और हरियाणा प्रदेश के लोग, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को बदलने का काम किया है, गरीब की चिंता की है, गरीब तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम, उसको सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कोरोना जैसा अगर वैश्विक संकट भी आया है, सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उस भयानक बीमारी में लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी और मजबूती से उन तक चाहे वैक्सीन पहुंचाने की बात है, चाहे राशन पहुंचाने की बात है और चाहे लोगों तक जो हमारा छोटा रेडी फड़ी वाला था उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोग और देश के लोग करते हैं और उसका परिणाम है कि लोगों ने जो हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र में और इस लोकतंत्र में हिस्सा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका भाव देखने को मिलता था। और आज हमने समीक्षा बैठक भी की है, उस समीक्षा बैठक में भी जो निकल करके आया है कि हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल
बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो खिल रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा की जो 2019 में भूमिका थी वही भूमिका 2024 में हरियाणा के लोगों की रहेगी और हरियाणा के लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये सारा का सारा उस सर्वे में आया है और मैं उन्हें सभी प्रदेशवासियों का जिन्होंने शांतिपूर्ण और इतनी भयानक गर्मी में जो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी इलेक्शन के बीच में हमारे साथी आदरणीय राकेश दौलतापुर जी जो बीच में हमें छोड़कर के चले गए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अभी उनकी आयु भी वो ज्यादा नहीं थी, परंतु परमपिता परमात्मा के आगे कुछ वश नहीं है और उनका हमारे बीच से इस प्रकार से चला जाना वो मेरे लिए तो क्षति है ही, परंतु राजनीति में भी एक वैक्यूम उनके कारण आया है, परिवार को जो उनके जाने से क्षति हुई है, मित्रजनों को हुई है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको वो ताकत दे, वो शक्ति दे जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और जहां पर भी वो दिवंगत आत्मा है मैं परमपिता परमात्मा से वो प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो राकेश दौलतावादी क्योंकि एक बहुत ही सूर्य हुए बड़ी नकेल कसने का काम भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है और इसका लाभ भी आज इसकी चर्चा भी हर नागरिक कर रहा है, चौपाल में बैठ करके भी कर रहा है और ये बात बोलते हैं कि भाई काम तो मोदी ने किए। मैं ये भी बात बोलता था कि कांग्रेस के परिवार के जो पदाधिकारी है कांग्रेस का उसके परिवार में भी बैठ करके ये चर्चा होती है कि भाई मोदी ने काम तो देश को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से किया, ये चर्चा उनके परिवार में भी होती है। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर डबल इंजन सरकार ने जिसकी मैंने चर्चा की है 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया है और 52 भरपाई दी है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है और आज घर बैठे ही पेंशन लग जाती है, पहले 6-6 महीने चक्कर काटने पड़ते थे, आज न्याय की अगर बात करें सीएमएनडो के माध्यम से घर बैठे ही न्याय मिल जाता है। कई व्यक्ति कोई अगर किसी मंशा से बार बार सीएमएनडो लगाता है किसी को परेशान करने के लिए जाता है उसको भी समझते हैं, परंतु एक्चुअल में जो पीड़ित व्यक्ति है अगर वो सीएमएनडो लगाता है इस सिस्टम के माध्यम से घर बैठे उसको न्याय मिलता है। और चाहे आयुष्मान कार्ड है, चीर आयु कार्ड उसके साथ जोड़ा है, 5 लाख रुपए का अधिकार वो हमारी सरकार ने लोगों को दिया, इस बात की चर्चा लोग करते हैं। लेकिन सर इस सबके बावजूद जो आज आपने समीक्षा बैठक की आपने कहा हरियाणा वो उन्होंने थोड़ा सा गलत कहा है, जो ये कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह झूठा 2019 के चुनाव में भी यही बात बोलता था कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं होने उसका कहीं खाता खुलने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस के जो क्रियाक्रम रहे वो लोग जानते हैं। 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था, 2 घंटे लाइट आती थी दोपहर में, लोग त्राही त्राही करते थे, गर्मी के मौसम में पानी तक नहीं मिलता था लोगों को, नौकरियां किस प्रकार से बिकती थी तो 3 दिन में मिलता था, वो सब जानते हैं लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को पता है। परंतु क्लीन स्वीप कांग्रेस होने जा रही है उसका कोई खाता खुलने वाला नहीं है, 11 के 11 कमल के फूल खिलने वाले हैं। आज तो एक ही उनका विधायक बोला है, जो विधायक का कैंडिडेट है कांग्रेस का, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, 2 बोले हैं, एक सामने के प्रत्याशी, एक
एक तो भी बोल रहा है जी। एक कुमारी शैलजा बोली है जी। कुमारी शैलजा ने कहा है ये उनकी पीड़ा है अंदर से, वो हार, ये जो बौखलाहट की बात कर रहे हैं ये बौखलाहट कांग्रेस की है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, आपके सामने कहा है जी, जी। आप लोग थे कि हुड्डा की यहाँ जरूरत नहीं है, ये कहा है ना उसने कि उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी हार की बौखलाहट का परिणाम है और वो जीरो जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में किसान हितैषी सरकार बैठी है और उसके कारण से आज उन तक जो किसानों के ऊपर कोई वजन नहीं पड़ा। मैंने तो बीच में भी शायद आप लोगों को एक बात कही थी कि जो हमारे आंदोलनरत किसान हैं और जो ये आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन कांग्रेस के नेताओं के पास बनता है कि उनको जाकर के करें। 60 वर्ष तक देश को प्रशासन किया, अगर किसान की हालत खराब हुई है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी। मोदी जी ने आकर के किसान को सशक्त और मजबूत करने के कदम उठाए जिससे किसान को एक बड़ा लाभ उसका मिला। अगर हम देखें ई मंडी के साथ जोड़ने का काम किया है, ई मंडी के साथ साथ किसान रेल चलाने का काम किया है ताकि किसान को अगर अपनी फसल एक स्थान से दूसरे स्थान को पर ले जानी है तो उसको खर्चा कम पड़े और वो खर्चे कम के अंदर अपना लाभकारी मूल्य ले सके, उसको लेकर के भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान रेलवे है वो भी चलाने का काम किया है और इसका बड़ा लाभ। सर एक प्रदेश की योजनाओं का कितना लाभ आपने देखा, खासकर जब 50% निकले और वोटिंग में कितना लाभ देखने मिला कि प्रदेश की योजनाओं को सर आगे? देखिए डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए, कांग्रेस के समय के अंदर कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं एक रुपया भेजता हूं नीचे 15 पैसा लगता है, ये किसी से छुपा बात नहीं है। कांग्रेस अगर चुनाव लड़ी है, कांग्रेस झूठ के बल के ऊपर चुनाव लड़ी है, लोगों के अंदर झूठ परोसने का काम, जो कांग्रेस की दुकान में सामान था वो झूठ का सामान था और उस झूठ को परोसने का काम कांग्रेस के नेताओं ने वो किया है, उस दम के ऊपर वो चुनाव लड़े हैं। परंतु मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने, ये इनका पैतृक काम है कांग्रेस का, ये आज का नहीं है। जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, तभी से भ्रष्टाचार के अंदर ये लोग लिप्त रहे हैं। ये इतना जरूर रहा है कि कहीं किसी सरकार में इन्होंने भ्रष्टाचार कम किया है, किसी में हदें पार की है। अब 2004 से लेकर के 2014 भ्रष्टाचार की सारी मर्यादाएं तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व ये बात बोल दे कि वही पेड़ के ऊपर कौन सा नोट लग रहे हैं कि मैं तोड़ के आपको दे दूं, इस प्रकार से देश के लोगों को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। परंतु यह डबल इंजन की सरकार, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, डबल इंजन की सरकार ने हमारी, इसके अंदर जो एक कहावत हरियाणा में चलती है कि 100 रुपया लिया 125 रुपये दिया, ये सेम कहावत इस डबल इंजन सरकार के ऊपर लागू हुई है कि 1 रुपया मोदी जी ने भेजा और 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ये खर्च करने का काम बिना भ्रष्टाचार के हमारी सरकार ने किया है। सरकार के हमारे पास आंकड़े आए हैं और आंकड़ों में जो आप भी सर्वे है, आप भी लगातार फील्ड के ऊपर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते थे एक ही प्रकार का सिनेरियो वो देश से व्यू निकल करके आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपसी द्वेष की सरकार थी। इलेक्शन चलते चलते में भी कई वीडियोज ऐसी भी आई है कि यहाँ पर हमें इस नेता की, कांग्रेस की तरफ से अभी इस नेता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आकर के वो क्या करेंगे, उसका यहाँ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है और वो गुटबाजी के कारण, क्योंकि कांग्रेस का नीचे संगठन नहीं है और जब संगठन नहीं है तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे
जहां पर कांग्रेस का बस्ता भी नहीं लगा। कई ऐसे स्थान भी थे बहुत स्थानों को जहां उसका टेंट भी नहीं लगा। इस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर थी। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है कि मोदी जी के प्रति जो देश और प्रदेश के लोगों का श्रद्धा का भाव है, लोगों ने एक तरफा वोट वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ वो खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखिए। सर, संगठन किसान संगठन है, कुछ मांगे जो लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में जो किसान हित के अंदर मजबूत कदम उठाए हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बड़ा मुआवजा उसके खाते में पहुंचाने की बात हो, चाहे सोलर के ऊपर सब्सिडी दे करके सोलर पंप लगाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके ऊपर बड़ी सब्सिडी दे करके किसान के ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर पानी ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन के माध्यम से पहुंचाने की बात हो, और ज्यादा जो पैदावार किसान ने 2014 में जितनी पैदावार थी और जो पैदावार 2024 में थी उसमें जमीन आसमान का अंतर है, उस सब को भी MSP पर खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया है। लगातार हर वर्ष MSP बढ़ा करके किसान को देने का काम भी ये मोदी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी, अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम किया है और भावांतर भरपाई भी देने का काम हरियाणा में हमारी सरकार ने किसान को किया है। किसान के अगर यूरिया का भाव बढ़ता है, DAP का भाव बढ़ता है, तो उस भाव को भी कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने एक बड़ी सब्सिडी देकर उस भाव को बढ़ने नहीं दिया, जो कांग्रेस के समय के अंदर वो भाव दुगने उसके रेट हो गए थे, दुगने से भी ज्यादा हो गए थे, परंतु कांग्रेस पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार विधानसभा के अंदर आवाज को उठाते रहते थे और आज हमारे बीच में नहीं है। मैं पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।